नमस्कार, मैं अमित वशिष्ठ भारतवर्ष की 51 शक्तिपीठों की श्रृंखला में 15वें शक्ति तीर्थ के रूप में माँ विमला देवी पीठ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। विमला देवी मंदिर जो देवी विमला को समर्पित है, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर स्थित है। देवी को समर्पित इस पीठ को कुछ अति विशिष्ट मंदिरों में से एक माना गया है। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा ही नहीं समस्त भारत में एक विशिष्ट गरिमा को धारण किए हुए हैं और इस गरिमा में चार चांद लगाती है इसकी रथ यात्रा, जो हर वर्ष अषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर दसवीं तक चलती है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इन्हीं भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर के पश्चिम में रोहिणी कुंड के पास स्थित है देवी विमला का मंदिर, जो चार आदि शक्तिपीठों में से भी एक माना गया है। चार आदि शक्तिपीठों में इस मंदिर के अलावा कालीघाट मंदिर कोलकाता में, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी आसाम में और तारा तारिणी बहरामपुर में स्थित है। देवी विमला का यह मंदिर देवला शैली में बलुआ और लेटराइट पत्थरों से निर्मित है, जिसमें चार घटकों को शामिल किया गया है, अर्थात मंदिर परिसर चार भागों में बटा है, जिसमें विमला अर्थात मुख्य गर्भगृह, जगमोहन जिसे सभा भवन भी कहते हैं, नाटा मंडपा अर्थात उत्सव हॉल और भोग मंडपा यानी प्रसाद हॉल शामिल हैं। मंदिर के स्वरूप में विभिन्न शताब्दियों में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते रहे हैं। मंदिर का केंद्रीय भाग 6वीं शताब्दी में निर्मित माना गया है। मंदिर की वर्तमान संरचना कुछ कुछ जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही स्थित नरसिंह के मंदिर से मिलती जुलती है, जिसे 9वीं शताब्दी में निर्मित माना गया है। मंदिर की कुछ मूर्तियां, खासकर पार्श्व देव तथा केंद्रीय भाग के पीछे का कुछ हिस्सा मूल ऐतिहासिक मंदिर का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा बाकी मंदिर में समय समय पर बदलाव आते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही मंदिर परिसर में गोवर्धन मठ की स्थापना की थी और इसकी अध्यक्षता देवी विमला द्वारा की गई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार पूर्व समय में जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु व महेश की पूजा होती थी, पर कालांतर में शैव समुदाय तथा श्री विद्या समुदाय हटा दिए गए, जिसके फलस्वरूप हमें वर्तमान संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय प्राप्त हुआ और आज भी यही एकमात्र परंपरा मंदिर में पाई जाती है। मंदिर में तांत्रिक परंपरा अनुसार देवी को मांस व शराब भी चढ़ाई जाती है, पर 17वीं शताब्दी के दौरान इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज सिर्फ विशेष अवसर पर ही मांसाहार का भोग लगाया जाता है। देवी विमला को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। यहाँ पर माता सती की नाभि का गिरना माना जाता है। 51 शक्तिपीठों में शक्तिपीठ के रूप में माता सती तथा भैरव के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है, पर यहाँ इस पीठ में एक अपवाद है। यहाँ की शक्ति माँ विमला है, जो सती स्वरूप ना होकर लक्ष्मी स्वरूपा है। वहीं इस पीठ के भैरव के रूप में भगवान जगन्नाथ पूजे जाते हैं, जो शिव स्वरूप ना होकर विष्णु स्वरूप हैं। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का यह अनूठा मिश्रण विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों में इस पीठ से जुड़े स्थान को लेकर संशय है। वे इस पीठ के स्थान को माँ गिरजा या विरजा के मंदिर में मानते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर से करीबन 160 किलोमीटर है। इस मंदिर के बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। विमला देवी मंदिर में दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। माना जाता है कि इस दिन राक्षस महिषासुर का वध किया गया था। दुर्गा पूजा पर यह अनुष्ठान 16 दिन तक चलता है, जो विजयदशमी पर समाप्त होता है। देवी के इस मंदिर को एक बात जो सबसे अलग स्थान प्रदान करती है, वो है कि इस मंदिर में देवी को कोई अलग से भोजन बनाकर भोग नहीं लगाया जाता है। यहाँ देवी को भगवान जगन्नाथ को लगाया हुआ भोग ही चढ़ाया जाता है, जिसके बाद इस महाप्रसाद को भक्तों में वितरित किया जाता है।
महाप्रसाद को सूखे चावलों में कसा हुआ नारियल, पनीर, दही और मक्खन मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके साथ खिचड़ी का भी यहाँ पर भोग लगाया जाता है। वर्ष में केवल एक बार ही देवी के लिए भोजन अलग से बनाया जाता है, जब उन्हें मांसाहार का भोग लगता है। इस दौरान देवी को मारकंडा मंदिर के तालाब से मछली तथा एक बकरे की बलि दी जाती है। यह पूरा अनुष्ठान सुबह जगन्नाथ मंदिर के भोगग्रह के द्वार खुलने से पहले संपन्न करना होता है। मंदिर पूरे वर्ष दर्शनों के लिए खुला है, पर दुर्गा पूजा, नवरात्रि, काली पूजा आदि त्योहारों पर यहाँ विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिसका हिस्सा बनकर आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। शक्तिपीठ के आसपास अन्य दर्शनीय स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान बलभद्र, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई माने गए हैं, तथा देवी सुभद्रा, ये भगवान जगन्नाथ व बलभद्र की छोटी बहन के रूप में मानी जाती हैं। तीनों की एक साथ पूजा होती है। इसके अलावा अनेकों मंदिर और हैं जो विशेष दर्शनीय हैं। मंदिर परिसर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, जहां भारत के सभी कोनों से सुगमतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। पुरी शहर राज्य राजधानी भुवनेश्वर से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सड़क मार्ग द्वारा बड़ी सुगमता से यहां पहुंच सकते हैं। इसके साथ पुरी रेलवे स्टेशन भी मंदिर परिसर से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको भारत के सभी मुख्य स्टेशनों से या शहरों से पुरी के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। इसके अलावा सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जो पुरी शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बस या टैक्सी द्वारा बड़ी सुगमता से मंदिर पहुंचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद।